डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जनाब, क्या हाल है आप सब लोगों के? उम्मीद है जी आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक, खट्टे कट्टे से फिट फाट होंगे। तो जी, आज हमारे किचन में बन रही है बिल्कुल ढाबा स्टाइल की तड़के वाली दाल। अब आप लोग बोलेंगे ये हमें दाल बनाना भी सिखाएगी। भाई जी, मैं आपको गोभी मटर बनाना भी सिखाऊंगी। क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। हमको सब कुछ बनाना पड़ेगा जी, सब कुछ बनाना पड़ेगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं और चल के देखते हैं जी ये किस तरीके से बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है मूंग की दाल 1 कप, मसूर की दाल 1/2 कप। इन दोनों को हमने बॉईल कर लेना है। बॉईल इस तरीके से करना है कि आपने एक बर्तन में इनको डालकर इतना पानी डालना है कि बर्तन आधे से भी ऊपर भर जाए, ठीक है? मतलब डबल ट्रिपल पानी डाल देना है। और फिर आपने इसके अंदर डाल देना है ये गर्म मसाले, जिसमें से मेरे पास सबसे पहले है छोटी इलायची, ये तकरीबन 1 अदद है, जो लौंग है 3 अदद हैं, और जो काली मिर्च है तकरीबन 12 अदद है। ये आपने डाल के इसके अंदर इसको बॉईल करने के लिए रख देना है। और ये कनौर का जो है हम एंड में डालेंगे। उसके बाद नमक मैंने यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून, या जितना आपको ज़रूरत हो उतना। टमाटर तकरीबन 2 अदद लेने हैं, इस तरीके से काट लेने हैं। उसके बाद धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून लेने हैं। सूखी मेथी हमने 1 टीस्पून लेनी है। लाल मिर्च भी हमने 1 टीस्पून लेनी है। ज़ीरा भी 1 टीस्पून लेना है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट लहसुन एंड अदरक जी, ये 1 टेबलस्पून जाएगा, जिसमें से 1 टीस्पून हमने तड़के के लिए इस्तेमाल करना है। और 1/4 टीस्पून हल्दी है। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें अपनी दाल बनाने के लिए चाहिए। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जी ये देखिए, दाल जो है वो हमारी बॉईल हो चुकी है। इसकी कोई टाइमिंग नहीं है, बस आपने गरम मसाले और ढेर सारा पानी डाल के आपने इसको बॉईल होने के लिए रख देना है। अब मतलब किस तरीके से बॉईल हो जाए, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ज़रा रुक जाए भाई, दिखा दो। हाँ जी, ये देखें, इस तरीके से अगर आपकी दाल हो जाए मीन्स कि अब ये गल चुकी है। तो अब उसको साइड पर रख दिया मैंने। और अब मैंने कढ़ाई के अंदर 1/2 कप तेल डाल दिया, लेस देन 1/2 कप तेल डाला है मैंने, क्योंकि आधा जो बचा दिया ना मैंने वो हम इस्तेमाल करेंगे अपने तड़के के लिए। अब इसके अंदर चले जाएगा लहसुन। लहसुन 1 टेबलस्पून था, जिनमें से 1/2 टीस्पून मैंने बचा कर रख दिया था तड़के के लिए। इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है और इसको करना है हमने ब्राउन। तो जी ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर हमने डाल देना है टमाटर और तमाम स्पाइसेस 1 बाय 1 करके। अच्छा जी, नमक का बताती चलूँ कि नमक पहले हमने मसाले के हिसाब से थोड़ा सा डालना है, और जो नमक बच जाएगा वो हमने अपनी दाल में डाल देना है, ठीक है? और साथ ही इसी स्टेज पे हमने इसके अंदर डाल देना है कनौर का क्यूब, और इसको साइड पे रख देना है हल्की आंच पर। और अब हमने साथ ही साथ वो हल्की आँच पर वो बनेगा, और साथ ही साथ हमने अपने टमाटरों का जो मसाला है इसको भूनना है। भूनना कैसे होता है, मतलब क्या है कि भाई आपने उसको मीडियम फ्लेम पर इतना पकाना है कि इतना भूनना है कि इसके ऊपर जो है तेल आ जाए, ठीक है? इट्स मीन कि अब ये भुन चुका है। अब हमने इसके अंदर डाल देंगे अच्छी तरीके से इसको भून कर, हमने इसके अंदर डाल देनी है हरी मिर्चें 1 अदद हरी मिर्चें, और 1 टीस्पून तक मैंने डाल दिया था इसके अंदर हरा धनिया, और इसको मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से। बस थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब हमने इसके अंदर डाल देनी है अपनी दाल। ये बड़ी प्रोनाउंसिएशन में गलतियाँ होती हैं जी। अब ये डाल दिया, अच्छा जो भी कर दिया मैंने। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, और थोड़ा सा मतलब हमने इसको उबाल देने हैं 2-3। जैसे ही 2-3 उबाल आ जाएंगे इसके अंदर, तो हमने इसको डिश आउट कर लेना है, ठीक है? मतलब कि मसाला और दाल ज़रा घुल मिल जाए ना, तो इसलिए। अच्छा, इसको रखते हैं आप साइड पर हल्की आँच पर, और बनाते हैं अपना तड़का। तड़के के लिए ये जी जो तेल बचा हुआ था वो इस्तेमाल किया है, और अब इसके अंदर हमने डाल देना है लहसुन। डाल दो जी, ये डल गया। लहसुन डाल देना है, और इसको अब हमने कर लेना है लाइट ब्राउन, ठीक है जी? अच्छा जी, अब जैसे ये लाइट ब्राउन होगा, हमने इसके अंदर तकरीबन 1/4 टीस्पून तक का ज़ीरा डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, और उसके बाद इसको दाल के अंदर डाल देना है। और अब जैसे देखें कि ये जो लहसुन था ना, ये साथ मतलब लग गया था, मतलब चिपक गए थे, तो इस तरीके से करके मैंने दाल के अंदर ही इसको अलग कर लिया। इस दाल की जो ज़्यादातर टेस्ट आता है ना, जो मज़ा आता है, वो इसी तड़के की वजह से आता है। ज़ीरे का इसको तड़का लगता है, तो जी दाल तो वही सुपर डुपर बन जाती है। तो इस तरीके से हमारी दाल बन चुकी है, और अब हमने इसको कर लेना है डिश आउट।
तो जी ये बेगम साहिबा तैयार हैं बिल्कुल, और इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला डाल देना है, और उसके बाद हमने डाल देंगे इसके ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्चें, ठीक है, ज़्यादा हरी मिर्चें हम इतनी पसंद नहीं है तो इसलिए थोड़ी सी डालेंगी, और उसके बाद हरा धनिया। और जी ये तैयार हो गई हैं और बहुत मज़े की बनती है, बहुत लाइट सी होती है। तो जनाब वीडियो सब लोगों ने देख ली है, उम्मीद है जी पसंद आई होगी, बहुत ही मज़े की और बहुत ही लाइट सी किस्म की दाल होती है, बहुत जल्दी बना भी ली जाती है और बहुत जल्दी झटपट भी हो जाती है हमारे घर में, तो माशाल्लाह से। और दूसरी बात ये, अगर जी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा, और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो हम फिर से मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो एक नई रेसिपी के साथ। और फिक्र ना करें जी, गोभी मटर नहीं है और उनके हैं ये तो आपको बाद में पता चलेगा ना कि गोभी मटर है या नहीं है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, फिर से आप टेक केयर फैमिली, अल्लाह हाफिज़।